सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फैसले पर बातचीत करने के लिए विस्तार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव शर्मा देखिए आज दिल्ली में सरकार की पुनर्स्थापना होती है, ऐसे इस प्रकार से दिल्ली के लोकतांत्रिक हकों की पुनर्स्थापना होती है और दिल्ली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होती है। पिछले 3.5 साल से मोदी जी ने जिस प्रकार से सरकार का हनन करा, सरकार को चलने नहीं दिया, आज कहीं ना कहीं उन 3.5 साल की तमाम कोशिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके तमाम प्रयासों पर एक पूर्ण विराम लगा दिया है और दिल्ली की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अधिकार सौंप दिए। अब मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा को माननीय उच्चतम न्यायालय के जो फैसला आया है उसका पूरा पालन करना चाहिए। और दूसरी चीज, अब किसी भी प्रकार से दिल्ली में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए, ये भाजपा के लिए मैसेज बड़ा साफ है। तो क्या माना जाए इस तरह के बाद एक जंग शुरू होगी पूरी अकाली वाली सरकार, अब वो नजर नहीं आएगी, अब वो खत्म हो गए? देखिए, अगर भाजपा इन तमाम फैसलों का पालन करेगी, यदि भारतीय जनता पार्टी अब कम से कम अपने जो रोड़े अटकाने के जो पूर्ण के काम से दिल्ली के शासन उसे रोक देगी, तो निश्चित तौर पर अब दिल्ली की सरकार पूर्ण तरह पूरे शक्ति के साथ काम कर सकती है। आईएएस अधिकारियों के साथ सरकार का बहुत जबरदस्त टकराव हुआ था, उसकी वजह यही थी कि कर्मचारी दिल्ली सरकार की गठबंधन से बाहर थे। आज के तकनीक से क्या मानते हैं? आज तो स्पष्ट हो गया कि केवल 3 चीजें छोड़कर, पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन, इन 3 विषयों को छोड़कर तमाम चीजें, चाहे वो सर्विसेज हो, एंटी करप्शन ब्रांच हो, तमाम चीजें वो सारी की सारी चीजें दिल्ली सरकार के अधीन आती है। बहुत अच्छा, काफी दो सवाल है। एंटी करप्शन ब्रांच आपकी बात आई है, बहुत सारे केसेज जो थे उनकी रफ्तार क्या अब उसमें तेजी आएगी, क्या पुराने मामले खोले जाएंगे? बिल्कुल उसमें तेजी नहीं, पिछले 3.5 साल से तो एंटी करप्शन ब्रांच के दफ्तर पर सिपाला लगा हुआ था, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक संस्था है उसको भी रोक लेगा, आज उस संस्था को वापस खोला जाएगा और वो एंटी करप्शन ब्रांच अरविंद केजरीवाल जी के अधीन आएगी, तो देखिएगा केजरीवाल जी का करिश्मा। बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव शर्मा जो ये कहते हुए कि अब इस फैसले के बाद सरकार के काम में तेजी आएगी और सरकार ने एक और अहम बात यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई है कि जेसीबी अब उनके पास आ गई है और अब जो पुराने मामले हैं दोबारा से खोले जाएंगे और उनकी दोबारा से जांच होगी। कैमरामैन राकेश के साथ शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।